लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 7 संयुक्त साहस खाते। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयं पाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। प्रश्न 1, संयुक्त साहस क्या है? उत्तर, संयुक्त साहस एक विशेष प्रकार के कारोबार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित अवधि एवं कार्य के लिए करते हैं। प्रश्न 2, संयुक्त साहस कब समाप्त होता है? उत्तर, विशेष कार्य के पूर्ण हो जाने पर अथवा निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर संयुक्त साहस भी स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रश्न 3, संयुक्त साहस से उत्पन्न लाभ हानि का क्या किया जाता है? उत्तर, संयुक्त साहस के अंतर्गत किए जाने वाले कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त लाभ आने को निर्धारित अनुपात में साहसियों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। प्रश्न 4, संयुक्त साहस में कारोबार करने के लिए पूंजी कौन लाता है? उत्तर, संयुक्त साहस में कारोबार करने के लिए प्रत्येक साहसी अपने हिस्से की पूंजी लाता है। प्रश्न 5, संयुक्त साहस में शामिल होने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर, संयुक्त साहस में शामिल होने वाले को सहसाहसी कहते हैं। प्रश्न 6, सरल शब्दों में संयुक्त साहस क्या है? उत्तर, एक प्रकार से अस्थायी साझेदारी अथवा व्यक्तियों का समूह है। प्रश्न 7, संयुक्त साहस में प्राय किन कार्यों को किया जाता है? उत्तर, 1, किसी विशेष वस्तु का व्यापार, 2, किसी विशेष वस्तु का आयात निर्यात का कार्य, 3, भवन निर्माण, 4, किसी कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन, 5, भूखंडों या उन पर भवन निर्माण कर बेचना आदि कार्य संयुक्त साहस के अंतर्गत किए जाते हैं। प्रश्न 8, संयुक्त साहस की महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? उत्तर, 1, इसमें प्राय सभी साहसी मिलकर कार्य करते हैं। 2, संयुक्त साहस का फर्म की तरह कोई विशेष नाम नहीं होता है। 3, इसमें आपसी समझ ही महत्वपूर्ण होती है आदि। प्रश्न 9, संयुक्त साहस की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, 1, संयुक्त साहस किसी विशेष कार्य को निश्चित समय तक पूरा करने के लिए होता है। कार्य अवधि समाप्त होने पर कार्य भी स्वतः समाप्त हो जाता है। 3, संयुक्त साहस के समाप्त होने पर लाभ हानि विभाजन एवं हिसाब किताब का निपटारा कर लिया जाता है। 4, संयुक्त साहस प्राय अल्पकालीन होता है। 5, संयुक्त साहस का कोई नाम नहीं होता है। इसमें सहसाहसी इसके साथ ही निजी व्यवसाय भी कर सकते हैं। प्रश्न 10, नाम के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस का प्राय कोई नाम नहीं होता है, जबकि साझेदारी संस्था का एक निश्चित नाम होता है। प्रश्न 11, उद्देश्य के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस का उद्देश्य निश्चित कार्य या निश्चित समय तक व्यवसाय करना है, जबकि साझेदारी का निर्माण निरंतर संचालन हेतु होता है। प्रश्न 12, पंजीयन के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है, जबकि साझेदारी में पंजीयन कराना आवश्यक है। प्रश्न 13, अधिनियम के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस के लिए कोई पृथक अधिनियम नहीं होता है, जबकि साझेदारी में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। प्रश्न 14, सदस्य के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस में भाग लेने वाले को सहसाहसी कहा जाता है, जबकि साझेदारी में भाग लेने वाले को साझेदार कहा जाता है। प्रश्न 15, सदस्य संख्या के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस में कम से कम 2 और अधिकतम सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि साझेदारी में अधिकतम 20 सदस्य तथा बैंकिंग व्यवसाय में 10 सदस्य होते हैं। प्रश्न 16, संबंध के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त साहस में साहसियों में परस्पर समझ होती है,
जबकि साझेदारी में साझेदारों में आपसी संबंध होता है। प्रश्न 17, संयुक्त साहस संबंधी लेखा करने की कितनी लेखा विधियाँ हैं? उत्तर, संयुक्त साहस में मुख्य रूप से लेखा करने की दो लेखा विधियाँ हैं। एक, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। दो, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना, जिसमें ए, प्रत्येक साहसी द्वारा स्वयं के लेन देनों का लेखा रखा जाता है, और बी, स्वयं के लेन देनों के साथ अन्य साहसियों के लेन देनों का भी लेखा रखा जाता है। प्रश्न 18, संयुक्त साहस के लिए पृथक लेखा पुस्तकें किन परिस्थितियों में रखी जाती है? उत्तर, एक, जब सभी साहसी एक ही स्थान पर रहते हों। दो, संयुक्त साहस का कारोबार बड़ा हो। और तीन, साहसियों द्वारा आपस में मिलकर निर्णय लिया गया हो। इन परिस्थितियों में पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती है। प्रश्न 20, संयुक्त साहस खाते की विशेषताएं क्या है? उत्तर, एक, संयुक्त साहस खाता व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की तरह होता है। इसमें सभी क्रय एवं खर्चे नाम पक्ष में लिखे जाते हैं। तीन, बिक्री एवं अन्य आय को जमा पक्ष में लिखा जाता है। चार, इस खाते का अंतर लाभ हानि को प्रकट करता है। और पाँच, लाभ हानियों को इसी खाते के माध्यम से साहसियों में बांटा जाता है। प्रश्न 21, संयुक्त बैंक खाता क्या है? उत्तर, एक, संयुक्त साहस के सभी भुगतान इसी खाते से किए जाते हैं। दो, सभी साहसियों द्वारा अपने हिस्से की पूंजी की रकम इसी खाते में जमा की जाती है। और तीन, बिक्री आदि से आय की रकम को इसी खाते में जमा किया जाता है। प्रश्न 22, प्रत्येक साहसी का पूंजी खाता अथवा व्यक्तिगत खाता क्या है? उत्तर, एक, साहसी द्वारा अपने हिस्से की रकम को इसी खाते के माध्यम से संयुक्त खाते में जमा की जाती है। दो, संयुक्त साहस की समाप्ति पर व्यक्तिगत खाते में विशेष राशि को भुगतान कर लेखा पुस्तकें बंद की जाती है। तीन, यदि माल की पूर्ति कोई साहसी करता है तो उसका व्यक्तिगत खाता क्रेडिट किया जाएगा। चार, यदि किसी खर्च का भुगतान कोई साहसी करता है तो उसका व्यक्तिगत पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। प्रश्न 23, यदि संयुक्त साहस के लिए माल उधार क्रय किया जाता है तो लेखा किस प्रकार होगा? उत्तर, संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर आपूर्तिकर्ता के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। प्रश्न 24, यदि किसी साहसी का पूंजी खाता अथवा व्यक्तिगत डेबिट शेष बताता है तो क्या किया जाएगा? उत्तर, अंतिम भुगतान से पहले उस साहसी से शेष रकम वसूल की जाएगी एवं उसके बाद अन्य साहसियों को भुगतान किया जाएगा। प्रश्न 25, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना क्या है? उत्तर, जब सभी साहसी एक ही स्थान पर नहीं रहते हों एवं संयुक्त साहस का कारोबार भी अधिक बड़ा नहीं हो तो संयुक्त साहस के लिए लेखा पुस्तकें अलग से नहीं भी रखी जा सकती है। ऐसी दशा में साहसीगण अपनी ही पुस्तकों में संयुक्त साहस के लेन देन का लेखा रख सकते हैं। प्रश्न 26, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखने की स्थिति में कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? उत्तर, एक, प्रत्येक साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा रखना। और दो, स्वयं के लेन देनों के साथ ही अन्य साहसियों के लेन देनों का लेखा रखना, ये दो विधियां अपनाई जाती हैं। प्रश्न 27, प्रत्येक साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा रखना क्या है? उत्तर, लेखांकन की इस विधि में प्रत्येक साहसी अपनी लेखा पुस्तिका में संयुक्त साहस खाता संयुक्त साहस के नाम से खोलता है। इस खाते की प्रकृति व्यक्तिगत खाते की होती है। संयुक्त साहस की समाप्ति पर इस खाते का शेष अन्य साहसी से लेना बाकी व देना बाकी बताता है। प्रश्न 28, संयुक्त साहस में समय के लेन देनों के साथ ही अन्य साहसियों के लेन देनों का लेखा रखना क्या है? उत्तर, इस विधि के अंतर्गत सभी साहसी अपनी अपनी लेखा पुस्तकों में संयुक्त साहस के समस्त व्यवहारों का लेखा रखते हैं। इसके लिए उनकी पुस्तकों में दो खाते, एक संयुक्त साहस खाता एवं दो अन्य साहसी का व्यक्तिगत खाता खोले जाते हैं। ये खाता व्यापारिक लाभ हानि प्रकृति का होता है।
यह खाता संयुक्त साहस की लाभ हानि को प्रकट करता है। प्रश्न 29, सह साहसी किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे व्यक्ति जो मिलकर अस्थायी तौर पर व्यापार करते हैं सह साहसी कहलाते हैं। प्रश्न 30, बिल भुनाना क्या है? उत्तर, प्राप्त स्वीकृति को समय से पूर्व बैंक से भुनाकर राशि प्राप्त करना बिल बुलाना कहलाता है। धन्यवाद।